मनुष्य के पूरे जीवन काल में जो सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड होता है, हम लोग उस पर आज डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि उस पीरियड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए जिससे कि हमारा जीवन एक सफल जीवन हो। इसके अलावा हम लोग एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर डिस्कस करेंगे। हम माँ बाप ये हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने, लेकिन हम माँ बाप क्या बलिदान करते हैं, क्या त्याग करते हैं, ये एक अहम मुद्दा है आज की डेट में। इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्कार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहने और खास करके मेरे स्टूडेंट्स, राजेश कुमार हमेशा की तरह आपका राजेश ट्यूटोरियल्स में वेलकम करता है। पूरे मनुष्य के जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड होता है वो पीरियड होता है स्टूडेंट लाइफ। इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए माना क्योंकि ये वो पीरियड होता है जहाँ पर कि आपका पूरा जीवन डिपेंड करता है। अगर आपने इसका सही इस्तेमाल किया, सही यूज किया, तो आपका जीवन झिंगालाला हो जाएगा, और अगर आपने इसका मिसयूज किया तो फिर आपका जीवन कैसा होगा ये यू नो बेटर। इस पीरियड में जो स्टूडेंट लाइफ का पीरियड है, स्टूडेंट्स इसमें गलती करते ही हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बच्चे होते हैं, पढ़ते तो सभी हैं, स्कूल जाते हैं, होमवर्क बनाते हैं, एग्जामिनेशंस देते हैं, ट्यूशन जाते हैं, अपना रात की नींद और दिन का चैन भी खो देते हैं। लेकिन सभी सक्सेस तो नहीं करते, सभी सक्सेस क्यों नहीं करते हैं? उसका एक महत्वपूर्ण रीजन है, एक कारण है जो जबरदस्त है, और वो ये है कि जैसे हम कोई भी इंसान है तो जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका कोई रूटीन नहीं है, बस जब मन में जो आया थोड़ा सा कर लिया। जैसे मेरी ही बात ले लो, मन में आया कि आज ये वीडियो बनाना है तो चल दिया बनाने के लिए, इसके लिए कोई प्लान नहीं है। तो अगर हमने ऐसा किया है और अगर हम ऐसा करते आ रहे हैं तो सक्सेस की गुंजाइश नहीं है मेरे भाई, यहां पर आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है। हर क्षेत्र बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा। आपको उस कंपटीशन को फेस करना होगा। आप अच्छा से अच्छा क्या दे सकते हैं? अगर आप बेस्ट देते हैं तभी लोग आपको पूछेंगे। अगर आपका क्वालिटी लचर पचर है तो फिर गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। तो स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते सभी हैं लेकिन कोई टाइम टेबल नहीं है, और जब आप टाइम टेबल को लेके नहीं चलेंगे तो फिर सक्सेस 100% नहीं मिल सकता है। ऑफलाइन में मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैं 3 स्टूडेंट्स के विषय में बतलाता हूँ। ये तीनों इतने होनहार हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये तीनों स्टूडेंट्स अपने जीवन में बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। एक स्टूडेंट तो इसी सेशन का है, 24-25 सेशन का, क्लास 10 का अतिरिक्त नाम है उसका। वैसे तो मेरी आदत है मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स का निकनेम भी रख देता हूँ। इसके कई निकनेम हैं जैसे जीके वगैरह वगैरह। एक दूसरा स्टूडेंट है सिद्धांत, काफ़ी होनहार लड़का है।
इसमें इतनी भूख है पढ़ने की कि ये लड़का चाहता है कि मैथमेटिक्स को एक ही दिन में मैं पूरा खा जाऊं और मेरे पेट के अंदर सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रहें और जब एग्जामिनेशन में मैं एग्जाम देने बैठूं तो किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस वे में लिख सकता हूं। बहुत बेहतरीन लड़का है, इनका सपना है आईएएस बनने का। मैं भगवान से दुआ करता हूँ ये जरूर बने और टैलेंट भी है इनमें, जरूर ये सक्सेस करेंगे। और तीसरा नाम जो कि मेरे ख्याल से काफी हो रहा लगा है, दर्शन। ये इतना जुझारू है, इतना जुझारू है कि कभी भी किसी क्वेश्चन से हार मानता ही नहीं है। तो जब आप किसी युद्ध में हार मानेंगे ही नहीं तो जीत तो आपके निश्चित रूप से होगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब स्टूडेंट इतनी मेहनत तो करते हैं लेकिन क्या उनका टाइम टेबल ठीक है? टाइम टेबल का मतलब होता है वो रूटीन जो आप रोज एक फिक्स टाइम पर करते हैं। अब स्कूल अगर बंद है तो आप 8 बजे उठते हैं और स्कूल खुला है तो आप 5 बजे उठ जाते हैं सुबह में, तो ये कोई रूटीन नहीं है। इसका एक रूटीन बनाओ और फिर उसको फॉलो करो। अगर आप इस तरह से करते हैं तो सक्सेस आपके पीछे रहेगा, आप आगे रहेंगे। तो मेरा ये उनको एक सजेशन हो क्या भी टाइम टेबल को बनाइए और फिर उसको फॉलो कीजिए तो बिग सक्सेस आपको मिलने की संभावना ज्यादा है। लेकिन ये सभी तो बच्चे ही होते हैं, पेरेंट्स का क्या रोल है? यहां पर एक अहम रोल है। अब आजकल के पेरेंट्स की बात अगर करेंगे आप तो उनके बच्चे सामने पढ़ रहे हैं और पेरेंट्स का आज का जो एक खिलौना है वो अपने इस खिलौने के साथ इस तरह से खेलते रहते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि बच्चे तो पढ़ रहे हैं और मैं निगरानी भी कर ही रही हूँ, माँ है तो, और पापा सोचते हैं कि मेरे सामने ही पढ़ रहे हैं तो मैं देख ही रहा हूँ। नहीं, ये कमजोरी बन जाएगी आपकी और बच्चे फिर आपकी इस कमजोरी का नजायज फायदा उठा लेंगे। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और अगर आप वहां पर बैठे हैं तो आप इस खिलौने को साइड कर दें और 100% आप अपने बच्चे पर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चा भी आपको 100% देगा। अगर आप 10% दे रहे हैं तो आप अगर बच्चे से 100% का एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो सरासर नाइंसाफी है उन बच्चों के साथ, क्योंकि आप तो मनोरंजन कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने। इम्पॉसिबल है ये। तो पेरेंट्स से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे पर प्रॉपर गाइडलाइन दीजिए, उन पर ध्यान रखिए और अपने बच्चे को और खुद भी सोशल मीडिया से जरा सा दूरी बनाए रखें। इतना ज़्यादा क्लोज नहीं हो जाइए कि दुनिया ही भूल जाए।